भक्तिर कथा आपणक सम्मुखरे प्रकाश करिबा पई आपणक अनुप्राणित करिबा पई जगन्नाथक प्रति ये प्रयास सी रखिचंती ये सब प्रभुंकर लीला आसंतु समर्पित हृदय रे भक्त आसी पहुंची गले जय जगन्नाथ आपणक ना कौन नरेन्द्र पात्र कोठु आसचंती भुवनेश्वर भुवनेश्वर निज घर भुवनेश्वर हाँ भुवनेश्वर जन्म अमर पुरुणा लोक ना भुवनेश्वर कौटी हमर होची जागमरा जागमरा अच्छा अच्छा आज केमती पुरी के आसिले कालियांकर टिके दर्शन करबा अभिलाष ना किछ काम थिला मोर सब संक्रांति आसे दर्शन करके जाए मोर प्रत्येक संक्रांति मु ठाकुर को कहिजी मु संक्रांति दिन आसी दर्शन करके जी प्रत्येक संक्रांति दिवस को आपण बाछी नै छंती काहे कि ए संक्रांति रे किछ आपणकर घटितला ना संक्रांति दिनटी आपण अत्यंत भावप्रवणतार सहित रहिबाकु चान ना संक्रांति दिनटा मते भारी भल लागे मु शिवंग मंदिर जाए आगुरु एबे जगन्नाथ मंदिर आछि मु जगन्नाथ को भारी प्रिय मु जगन्नाथ के किछ जानि नथिली जगन्नाथ बिषय मु आसे सब बेले मंदिर दर्शन करे जगन्नाथ को देखि कि जाए केमिति दि तीन मास हला खाली जय जगन्नाथ टीवी चैनल देखि कि मु मोर सब चेंज हो गला चेंज हो गला तो मु खाली आउ किछ देखुनी खाली जय जगन्नाथ चैनल सकाळ 8 रु राति 12 मोर एत अनुभूति डबल रिपीट कर देखे किए कह कौन होती सब रिपीट कर देखे आज अनुभूति मुझे गाड़ी नहीं कि आसे सब आज बाट जाक आस भगवान को डाकी डाक आसुची गाड़ी चलाऊँ मुझे चलई पारि ऑटोमेटिक गाड़ी चलुच आसुच मुझे जहाँ भितर गली एत भिड़ लाइन भितर ई कह नीलचंद्र अनेक कह प्रभु आज मत पूरा दर्शन देवे मुझे खाली ये कही भितर को गली एमती दर्शन एत दिन आस दर्शन करी एमती दर्शन पाइन आज जो भाया दर्शन पाई दर्शन पाइली खेचड़ी भी पाइली तुसी पाइली नड़िया भी भांगली मोर जी मनस्कामना सब पूर्ण कर ठाकुर प्रत्येक कथार आप अनुभव कथा कही जिते गाड़ी चलाउले आप भावुंत आप गाड़ी चलाऊना जिते पूरी के आसिले जगन्नाथ को प्रार्थना कले भल दर्शन पाइबी नीलचक्र को चाहिए कहले कारण नीलचक्र ही चाह चाह कहले नीलचक्र को चाहिए कहले समस्त कार्य सिद्धि होता है समस्त मनस्कामना पूर्ण भक्त बंधु होता है तेज जिते बी आप आसीपारत न आसीपारत कथा ना नीलचक्र को दर्शन आपड़ प्राप्ति होती जय जगन्नाथ टीवी से नीलचक्र को चाह आप समस्त मनस्कामना जहाँ अच्छी कही था पूरण निश्चित भाव हम आप सब पांचटा मत बाजु बाजु मुझे जहाँ थी भी पलि आसवि कि पतक लगे दर्शन आग देखी अनुभव देखी आगवत गीता देखी सब मुझे यहाँ देखी मोर भक्ति अनुभूति दिन साढ़े बारटा होगा बेलू मुझे जगे पाई के आरंभ मुझे देखी समस्त अनुभूति देखी मत अनुभूति जब न देखी फेर मोबाइल पचुक कर फेर देखी तेज आप पताका लगे देखुं जगन्नाथ को देखुं भक्त अनुभूति कथा शुणुंट निजर अनुभूति रही थी निश्चित हाँ गोटे अनुभूति अच्छी 2019 ये जो कार्तिक पूर्णिमा दिन आसली देख ली मार्केट छक पर्यटन लंबा लाइन मुझे कहली प्रभु एत बाटर आई आज दर्शन पाइबी मुझे पलैबी आ कहीं दर्शन करी मो कानर गोटे आस बाजिला टन टन घोड़ा द्वार मुझे बुलिकी गली घोड़ा द्वार बाटे से ही बाटे गली आराम से दर्शन कर गली सुनावेश से जो घोड़ा द्वार बोले किए कहला मो कान तो गोटे बाजिला घोड़ा द्वार मो खाली तो कान बाजिला घोड़ा द्वार मुझे सुनदेनि वास्तव में महाप्रभु क्षेत्र में भक्त जहाँ कहते मिथ्या नुह आप आसी जहाँ चिंता करेंगे डरी जाऊे गहली दर्शन करें घोड़ा द्वार गोटे संकेत शब्द आसूँ शून्यवाणी एमती अनेक शब्द मध्य महाप्रभु पठाती जी बुझीगला सी बुझीगला महाप्रभु को जी न बुझला सी हे तो पुणी तार घर को फेरीगला आपण से महाप्रभु शब्द को बुझीपारे ये कई जने कौच घर घोड़ा द्वार दक्षिण द्वार बाटे गले ही दर्शन मिल ये जो मुझे दक्षिण द्वार आम आस फैमिली समस्ते झील पुह सब आई सब गलु सब दर्शन गलु सुनावास देखल गलु मैंने एत अनुभूति मोर बहुत कोरोना टाइम बहुत करज बाड़ी जाती बहुत मानते इंटरेस्ट दौली मसक 45,000 टाँचा मतलब भगवान क्यों ये दे मत बैंक लोन 10,00,000 मिलगला मुझे सब करज सुझीदेली 45,00,000 करजर मुझे आसिक पहुँचली 9,000 मैंने भगवान को डाक मो जो बैंक लोन जो मैनेजर कले सी गोटे जगन्नाथ भक्ति मत कह तुम्हें जगन्नाथ पाक जाओ पताका लगाओ सबू मागिले सब जगन्नाथ देवे
ସେଇ ଇଏରୁ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ 45,000 ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲି ସିଏ 9,000 ଖସିଗଲା। ମୁଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ହେଇଥିଲି, ଏବେ ମୋର ଆଉ ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଋଣ ଚିନ୍ତା ଏଭଳି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ମଣିଷକୁ ମାରିଦିଏ, ଯଦି ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରିପାରନ୍ତି ପାଗଲା ହେଇଯିବେ, ଘର ଛାଡ଼ିଦେବେ ନହେଲେ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଋଣ ଚିନ୍ତା ଏଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ପୀଡ଼ିତ କରିଥାଏ, ସେଥିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନାମକୁ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ଋଣର ଚିନ୍ତା କଥା କହିଥିଲେ? ହଁ କହିଥିଲି, ମୋ ଦୋକାନ ନାଁ ରଖିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର, ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଦୋକାନ କରିଛି, ସବୁ କହିଛି। ମାନେ ଏତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେତିକି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେବି କି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବି, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ କରଜ ତ ଦେଇପାରୁନି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଇପାରୁନି, କ'ଣ କରିବି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିଲେ, ଭଗବାନ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ହେଉଛି, ଯାହା ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ଟା କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କି ତାକୁ ଶୁଝିଦେଲେ ମୋର ଟ୍ରାଏ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଏଭଳି ଭାବରେ ଋଣର କରଜ ଭାରରେ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି, ଜୀବନ ହାରିଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ଜୀବନ ହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣ ବି ହେବେ। କେବଳ ଆସନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ପୁସ୍ତକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ମାର୍ଗ ପାଇବା, ଆଉ କେହି ମାର୍ଗ ଦିଅନ୍ତିନି। ପ୍ରଭୁ ମାର୍ଗ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମାର୍ଗ ଆସିକି ଦିଅନ୍ତିନି, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ବତେଇଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଭାବନା ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମନ୍ମଥ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଲାଣି? ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଥର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି। ଦୁଇଥର ଦର୍ଶନ ବୁଲିକି କଲେଣି? ପ୍ରତିଥର 5-6 ଥର ଲାଗେ ଦର୍ଶନ କରେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଦେଖିଲେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ମନ ମାନେନି। 5-6 ଥର ଗହଳି ଭିତରେ ପଶିକି ବାହାରିକି ପୁଣି ଆଧାରେ ପଟେ ପଶିକି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସେ ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢ଼ିଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, କି ଯାଦୁ ରଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବୁଝନ୍ତି ସେ କଥା। ଥରେ କେରେ କେହି ଭକ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି। ଆପଣ ଆଜି ରହିବେ ନା ପଳେଇବେ? ନାଇଁ ପଳେଇବେ, ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି 6ଟା ବେଳକୁ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବାରି। ଆଜି କେମିତି ଚିନ୍ତା କଲେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି? ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପ୍ରତି ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆମ ଦୋକାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ଆଜି ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ହେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମସ୍ଥାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ହେତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିନଥାନ୍ତି, କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଣିଥାନ୍ତି। ଆଜି ବଜାର ବନ୍ଦ, ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଦ, କର୍ମସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା, ଏ ଭାବନା ଅନେକ ରଖିଥାନ୍ତି, କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି, ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିଲେ? ଅନୁଭୂତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ, ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଲୁ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ କି ଯିବା ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ, ବୋଲି ଗହଳି ଅଛି ଏନା ଗଲେ ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାନି, ଆଉ ଦେଖିକି ତାହେଲେ ଯିବା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସୁନାବେଶ ନହେଲେ ଇଏକୁ ଯିବା ଆଉ। ସେଇଗଲେ ଟିକିଏ ଭିତରେ ମନମାଳିନ ହେଇଗଲା ଜାଣି ଯା ଭିତରେ, ସେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ ସେମାନେ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମନ ମାଳିଲେ କେମିତି ହେବ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ ସମଣା ଗଲା ପରେ ସେ ବାସି ଦିନ ଦୋଳି ଲାଗିଲା, ତା ବାସି ଦିନ ଆସିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଇଏ ଥିଲେ କ'ଣ ରଥରେ ଥିଲେ, ଦର୍ଶନ ମାନେ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଭଲ ମାନେ ଇଏ ହେଲା, ସିଏ ବି ଭଲ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେଇଟା ଭଲ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତି? ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚିନ୍ତା ନକଲେ ହେବନି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ଆସିବୁ। ଆମେ ବି ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ ସନ୍ଧି ହେଇକି ଆସିପାରୁନୁ, ତେଣୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଙ୍କ ଛୁଟି ଅଛି, ହଁ ଚାଲ ଯିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟର ମୂଳ କଥା ହେଲା ଉଧାର, ଧାର ଉଧାର, ବ୍ୟବସାୟ ନହେଲେ ହେବନି। ସେମିତି ବ୍ୟବସାୟରେ କେବେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି? ସେମିତି ତ କିଛି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ, ସବୁଆଡ଼େ ତ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରା ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଫାଇନାଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ, ରାତି 2ଟାରେ ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ିଲା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲୁ, ପୁରା ତ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର, ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ବାଟ ଭୁଲିଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାହା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନେ ଗଲା, ବାଟ ତ ମୁଁ ପାଉନି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଲୋକଟେ ସିଏ ଆସିକି ହାତ ଧାରିଲା ଏମିତି ଠିଆ ହାତ ଛକରେ, ଏମିତି ଏମିତି ହାତ ହେଲା, ମୁଁ ମୋତେ ଏଇଠି କିଏ କଲେ, ମୁଁ ସେଇ ବାଟରେ ପଳେଇଲି, ସେ ଯାଜ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ପୁଣି ଅଛି। ତା'ପରେ ସାହାରା ଏଜେଣ୍ଟ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ସାହାରା ଟିକେ ଡିସମାସ ଯୋଗୁଁ ପଇସା ଟିକେ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି,
ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ କରିକି ଆସିଥିଲି ଯେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ରେ ପଇସା ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଡାକିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିଭାବ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଆସିବେ ପୁରୀକି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏକା ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି? ତ ଗହଳି ଟାଇମ୍ ଟିକେ ମଙ୍ଗୁ ନାହାନ୍ତି, ଗହଳି ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗହଳି ହେଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି କଥା ହେଇକି ମୁଁ ଆସେ ଆଉ। ସାଙ୍ଗସାଥି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀକି, ଏକୁଟିଆ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, କେତେବେଳେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ବେଶୀ ପାଇଛନ୍ତି? ସିଏ ଧର୍ମପତି ଧରିକି ଆସିଲା ଟିକେ ଭଲ ଇଏ ଲାଗେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବେଳେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ। ଯାହା ହଉ ସେମିତି ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କୃପା ପାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ କେବେ ବି ଏକା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଦେବାଳୟକୁ ଯିବେ, ଦେବଦର୍ଶନ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେ ସିଏ ତ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସିଏ ଭାବ ଅଲଗା। ଯେବେ ବି ଏକା ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, ସେ ଭାବ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲଗା ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆଉ କେହି କାହା ପାଖରେ ମନ ନଥିବ, କିଏ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଚିନ୍ତା ବି ନଥିବ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଭାବକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିର କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସେହି ଶବ୍ଦରେ ସେହି କଥାରେ। ମା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଅଞ୍ଜନା ନାଥ, ଆମର ବନମାଳିପୁର ଆଜ୍ଞା, ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ। ତ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଗୁହାରି ଯେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ 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 କାମ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ କି ସଦାବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜଣକୁ କହିଲେ, ସେ ମୋତେ ଦେଲେ। ପୁଅଟିଏ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ପୁଅଟିଏ ବିବାହ ପାଇଁ କି ଜଣେ କହିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ମାହାତ କୁଡ଼ିଆ ମୁଁ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରେ, ସେ ମାହାତ କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲି ଆଜ୍ଞା। ପଡ଼ିଯିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଫୋନ୍ ଜଣେ ମୋତେ କଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଅପା କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ମନଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କାହିଁକି ମନ ଖରାପ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପୁଅ ବିବାହ ପାଇଁ ପଇସା ମୋତେ ଗୋଟେ କର୍ଜ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ଦେବାକୁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଲା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ 50,000 ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ଦେବି, ତୁମେ କାନ୍ଦ ନେଇ ଅପାଉ। ସେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବି ଠିଆ ହେଲେ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଗୁରୁତର ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଠିଆ ହେଇକି, କହିଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଯେମିତି ମୋତେ କିଏ ଜଣେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆ ଶୀଘ୍ର ପଳିଆ ନେଇକି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାର ବେଲାକୁ ହାତ ମାରିଲି, ସିଏ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିକି 6 ନମ୍ବର୍ରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼େଇକି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ଶରଣାଗତ। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ପ୍ରଭୁ ବିପଦ ଆପଦରେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁକି ସାହା ହେବେ। ଏମିତିକି ପ୍ରଭୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ହାତ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରି ହାତ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ଉଠିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଅସୁସ୍ଥ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏମିତି ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ? ସାର୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ବେହୋସ ହେଇଗଲେ, ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ, ତା'ପରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଆଉ କାମ କଲା ନାହିଁ କିଛି। ଏବେ ବି ଟିକେ କାନକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଆସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି 6 ନମ୍ବର୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ସ୍କାନ୍ କଲି ଆଜ୍ଞା। କଲା ପରେ ମୋତେ ବି ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ତା'ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିକି ମୋର ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁରେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଆର୍ଥିକ ବଳ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋର ଆର୍ଥିକ ବଳ, ମୋତେ ଦେବ କିଏ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଭଲ ହେବ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ସା। ମୋ ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇ କହିଲେ, ସେ ରିପୋର୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ଖରାପ ହେଇନି, ଭଲ ଅଛି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ କାଳିଆ ଠାକୁର, ମୁଁ ସଦାବେଳେ ତା ପାଖରେ ଋଣୀ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସଦାବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଋଣୀ ଠାକୁର। ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ଭକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ସିନା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଧନ ସିନା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ସେ ଭକ୍ତି, ମୋ ଝିଅ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଘରେ ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେମାନେ ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆ? ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଭାବିକି ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆ ଧୀରେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ମୋର ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆରେ? ସେ ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ସେଇଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ସେ ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆକୁ ଆପଣ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ,
ଭକ୍ତିର ଭାବନା, ଭକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତ କିଭଳି ଭାବରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କେତେକ ଭକ୍ତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଟିପାତ୍ରକୁ, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦର କୁଡ଼ୁଆକୁ ଘରେ ନେଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭାବି ସେ ମାଟି କୁଡ଼ୁଆକୁ ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ବାନାରେ, ପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆରେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଡାକିଛି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଏ ଗରିବଙ୍କର ଠାକୁର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତେ ଲୋକ ମୋତେ ଆସି କୁହନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଅରର ପିଲା ଝିଅ ଗୁରା କାଲି ହେଲେ, ସେ କହିଲେ କହିଲେ ଭାଉଜ ମୋର ଝିଅ ଗୁରା ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଥର ନେଇକି ଆଭର୍ଷଣ କରିଦେବି। ମୁଁ ସେଠି କହିଲି ନା ନା, ତମେ ଆଭର୍ଷଣ କରିବାକୁ ନିଅ ନାହିଁ। ସେ ନେଇଗଲା, ଅମାନ୍ୟ ହୋଇକି ନେଇଗଲା। ତାପରେ ମୋ ସହିତ ସେ ଦାଦା କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଡକ୍ଟର ଆଭର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ବେଡ଼୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ ସରିଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତାକୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ନାଥ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ନା ଯଦି ଏଥରକ ପୁଅ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ସେ କାଳିଆ ବୁଝିବ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଥିବେ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ଏ କଥା କହିଲେ ତାହେଲେ ବେଡ଼୍ରୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ତାର ହେଇଛି, ସିଏ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କଳ୍ପ ବଟରେ ଡୋର ବାନ୍ଧିକି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ବି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋତେ ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଦିଏ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କଳ୍ପ ବଟରେ ଗୋଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥିଲେ? ସିଏ ପଛରେ ଆସି ବାନ୍ଧିଲା। ଆଜ୍ଞା ପଛରେ ଆସି ବାନ୍ଧିଲା, ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୁଁ କଳ୍ପ ବଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଲା ବି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବି ଅଛି? ମୋର ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ। ଆଜ୍ଞା ନା କି ମୋର କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୋ ପାଇଁକି ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼, କାଳିଆ ଠାକୁର ଭଳିଆ ଠାକୁର କେହି ପୃଥିବୀରେ ନାହାନ୍ତି। କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ଠାକୁର ପୃଥିବୀରେ ନାହାନ୍ତି, ଏ ଭକ୍ତଙ୍କର ଶବ୍ଦ, ଭକ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତିର କଥା। ଯାହା ହଉ ମା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଳିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି, ଖାଲି ଯେ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି କାଳିଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। କ'ଣ ସେ ଯାଦୁ କରନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଭକ୍ତ ଆଣିବେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, କିଏ କେତେ ସମୟ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତାର ହିସାବ ମହାପ୍ରଭୁ ରଖିଥାନ୍ତି ସେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ବସି। ଆସନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିର କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ୍ୟା ନାମ ହେ ଆପକା? ସଙ୍ଗୀତା। ସଙ୍ଗୀତା ମେରା ନାମ ହେ। କହାଁ ସେ ହେ? ମେଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କି ହୁଁ, ଲେକିନ ୟହାଁ ଟାଟାନଗର ମେଁ ରହତି ଥି, ଇନକୋ ଦର୍ଶନ କରନେ କେ ଲିଏ ଆଇ ଥି। ଆଜ ମେରା ହସବେଣ୍ଡ କା ଜନ୍ମଦିନ ହେ, ତୋ ଦର୍ଶନ କରନେ କେ ଲିଏ ହମ ଲୋଗ ଆଏ ଥେ। ବହୁତ 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 ହି ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେ। କ୍ୟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେ ଲାୟା ଆପନେ ହୃଦୟ ମେଁ? ଜୈସା ହି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ କା ଦର୍ଶନ ଚାହିଏ ବୋଲକର ସୋଚି ଥି, ତୋ ଦର୍ଶନ ହୋ ଗିଆ, ଲେକିନ ଦିଲ ନେଇ ଭରା, ଏକ ଔର ଦର୍ଶନ ଚାହିଏ ବୋଲକର ସୋଚି ଥି, ଫିର ସେ ଜଗା ମିଲ ଗିଆ ଉନକା ଦର୍ଶନ କରନେ କେ ଲିଏ। ୟାନି ଜିତନି ବାର ଚାହେ ଉତନି ବାର ଦର୍ଶନ କରନେ କା ୟେ ଏକ ହି ଜଗା ହେ। ଇସକେ ଅଲାବା ଔର କୋଇ ଭି ଏସା ଜଗା ନହିଁ ହେ ଦୁନିଆ ମେଁ କି ବାର ବାର ଜଗନ୍ନାଥ କା ଦର୍ଶନ ହମ ଲୋଗ କର ସକତେ, ଜିତନି ବାର ଚାହେ ଉତନି ବାର କର ସକତେ, ଔର ଦିଲ ମେଁ ଜୋ ଭି ଚାହୋ ବୋ ତୁରନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୁରି ହୋ ଜାତି ହେ। ଭାଇ ତୁମକୁ ଅଚ୍ଛି ତରହ ମୁଝେ ଦେଖନା ହେ ବୋଲକର ସୋଚି ହୁଁ, ବସ ଇତନି ଅଚ୍ଛି ତରହ ଉନ୍ହୋନେ ଦର୍ଶନ ଦିଆ ହେ କି ମେରା ପୁରା ରୋଙ୍ଗଟେ ଖଡ଼େ ହୋ ଗିଆ ହେ, କି ବତା ନହିଁ ସକତେ, ୱର୍ଡ଼ସ ନହିଁ ହେ ବତାନେ କେ ଲିଏ। ଲେକିନ ହଁ, ଅଗର କୋଇ ଭି ଭଗବାନ କୋ କହା ହେ ଦିଖାଓ ବୋଲକର ବୋଲେଙ୍ଗେ, ତୋ ୟହି ହେ ଓ ଜଗା, ଭଗବାନ କୋ ଦେଖନା ହେ ତୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜାଓ, ଭଗବାନ କା ଦର୍ଶନ ଭି ହୋ ଜାଏଗା। ଜୀତା ଜାଗତା ଭଗବାନ ୟହାଁ ହେ, ଉନକୋ ମହସୁସ କରନେ କା ହି ଦେରି ହେ ଔର କୁଛ ନହିଁ ହେ। ଜିସ ଦିନ ଆପ ମହସୁସ କରେଙ୍ଗେ ଉସ ଦିନ ଆପ ଉନକୋ ୟହାଁ ପାଏଙ୍ଗେ। ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଭଗବାନ ସତରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଧା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ କୌଣସି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କର ନୁହଁ, ଇଏ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତିଭାବ ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। କେସେ ପତା ଚାଲା ଆପକୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ ଯାହା ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ହେ? ୟେ ଇନକେ ବାରେ ମେଁ ତୋ ବହୁତ ସୁନି ହୁଁ, ଖୁଦ କା ପାପ ହମାରି ତରଫ ବୋଲତେ ହେ କି ଆନ୍ଧ୍ର ମେଁ ବୋଲତେ ହେ କି ଭାଇ ପାପ ଦୁଲନେ କା ହେ ତୋ ଜଗନ୍ନାଥ ମେଁ ଜାନା ହେ ଔର ଫିର ଦୁବାରା ଜନ୍ମ ନହିଁ ଲେନା ହେ ତୋ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ଜାନା ହେ।
मैं श्री वैष्णव हूँ साउथ का। तो हम सब लोग पहले यहाँ आते हैं, उसके बाद ही दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ ऐसे टिक गई हूँ जगन्नाथ के पास। शायद 2009 से इनका मैं दर्शन कर रही हूँ, फिर भी संतुष्टि नहीं हो रहा है। बार बार आने का इच्छा वो बढ़ती जा रही है, ऐसे बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण जी आ जाओ मेरा दर्शन कर लो, मुझे एक बार चेहरा दिखा कर जाओ बोलकर बोल रहा है जैसा लगता है। यहाँ जब भी आती हूँ एक और बार दर्शन करने का इच्छा होती है। प्रभु जी यहाँ भक्त लोग को बात बोलते हैं? हाँ बात करते हैं हम लोगों से, नहीं तो बार बार दर्शन करने के लिए क्यों बुलाते हैं हमको? वो बात हमसे बात करते हैं, इसके लिए तो वो महसूस किया था ना मैंने। आज आपने भी किया है? हाँ आज भी किया, आज तो दर्शन बहुत ही बढ़िया हुआ है, वो भी बहुत देर वहाँ एकदम ठीक सामने खड़ा कर दिया है मुझे, ना आगे जा पा रही हूँ ना पीछे जा पा रही, एकदम उनके सामने ऐसा खड़ा कर दिया जैसे तीनों मूर्ति जो जगह पर खड़े रहने से दिखता है वो जगह पर मुझे बिठा दिया। कम से कम 2 मिनट में वो जगह पर खड़ी थी, सब लोग जा रहे थे लेकिन मुझे वहाँ से नहीं हिलाया है उन्होंने। तो शायद ये उनका प्रेम ही है मेरे तरफ से और मेरा प्रेम उनके तरफ से है, लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स टू द गॉड, भगवान की तरफ लव एंड अफेक्शन है। ये वहाँ से हिलने नहीं दिया, पूरा 2 मिनट में वहाँ खड़ी थी। आपका हाथ में क्या है प्रसाद? ये प्रसाद है, भोग लगाया हुआ, आज सुबह 11 बजे का भोग लगाया हुआ प्रसाद है, आनंद बाजार से खरीदी हूँ। और यहाँ हम लोगों को भगवान है बोलकर एक और सबूत हमको मिलता है, यहाँ नव दुर्गा है, नव नरसिंह स्वामी है और नव हनुमान जी है, तो उन लोगों का भी, और शीतला माँ मंदिर है, हर यानी पूरा परिवार भगवान का जितना भी सदस्य रहते हैं सबके सब यही पर है, उसका सबूत हमको ये मंदिर में मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, जय जगन्नाथ टीवी तरफ से एक पुस्तक हम दे रहा हूँ, फिर एक बार आइए जगन्नाथ जी का दर्शन करके अनुभव लीजिए, धन्यवाद। भक्त बंधु ये सही भक्त जे कि प्रभु को एभली भाव जे प्रभु परिवार सहित ये रहुचंती, प्रभु जीवंत रहुचंती, प्रभु सब शुणुचंती, ए कथा सी भी अनुभव करुचंती। गोटे स्थान पृथ्वीर गोटे स्थान यही स्थान जे कि भक्त बारंबार चाहिए दर्शन करी पारे प्रभु को, आउ कौट करें आपण बारंबार जिते थर चाहिए प्रभु को दर्शन करने को प्रभु प्रस्तुत अच्छा दर्शन देवाक आसतु से भक्तों पाख को जी पी भक्त मान भी ए भाव को किभ भाव आहरी भावायत करुं। जय जगन्नाथ, आपण का ना कौन? मो ना आज्ञा झरी राउत। कौटू आसचंती आपण? त्रिशूलिया मुनुवाणर। त्रिशूलिया कौन करचंती आपण? आज्ञा ए बिजनेस व्यवसाय चलछ नै जा हो आम टिके कैमरा को टिके आपण चाहंतु मु जेमती ठिया छी सेम ठिया होंतु। आपण व्यवसाय आजि कोन बाजार बंद? संक्रांति बोली बाजार सब बंद। प्रत्येक संक्रांति दिन आम व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कर दिखती आपण मैंने कहीं संक्रांति दिन बेपार व्यवसाय ठीक चले मस सारा मानने टी रेस्ट मिले ठाकुर दर्शन करवाई टी रेस्ट मिले मसक थे प्रति संक्रांति दिन आप पूरी प्रति संक्रांति 6 थर खंड आसी महादेव मंदिर को जाए कि 6 थर खंड पूरी की आस 6 थर आसला तीन थर प्रभु दर्शन पाई आन थर दर्शन पाई लास्ट थर दर्शन पाई मुझे जगन्नाथ को किसी मागि ना मुझे आसे शुणे पूरी जाऊँ समस्ते जाऊरी मुझे आसे पूरी आर वर्ष जो पूरी आसली मो हाथा ये टोटाल जखम रोला हाथा उठे ना समस्त घर कौन कुंडेले मुझे कुंडेली कुंडिया भितर कुंडे गोटा धक्का भी खाइली ठाकुर दर्शन कर ठाकुर मो पर को मत टे भले रख कहीकि दुख जनइली जनला ता पर दिन घर पहुँचला बेलू मुझे जो पा बाल्टी गली मो हाथ फ्री में चलुच मुझे मोर 4 बो थे पचारि गादे मुझे कल जो जगन्नाथ कथी जाइलु बर्तमान मो हाथा उठे नौला मुझे कल दर्शन कर गरुड खंड को धरला हाथा मोर आज बर्तमान फ्री फाट है तेणु ठाकुर प्रभाव अच्छी मुझे छोट बड़ माँ बाबा छड़ा कौन से मंदिर जाए ना माँ बापा ध्यान थाए माँ बापा मलापर मंदिर मत्सव सुंदर अनुभूति टे स्वल्प संक्षिप्त हेले क्षुद्र हेले जो हाथ देखुं आपणकर से ही हाथ चलू नाला कि समस्या दूसरा जगन्नाथ को कही ना गरुड़ स्तंभ को समस्ते कुंडा मु भी कुंडे पकेली मोर हाथ के भल होती मुझे घरे जाए जान ली केत भी भल करती प्रभु भक्त को भी जना गोटे कथा एटी कहले प्रभु जानुंत न कहले भी प्रभु जानुंत मोर भक्त कि कष्ट अच्छी
भक्त कष्ट अच्छी कौन पुओ झी दीटा बाहर करार अच्छी मुझे आर वर्ष तीरस वर्ष दीटा मामल तो कै प्रभु पुणी थर आसवि प्रभु तो हेल्ले जीवित ठाकुर आम ओडावासी जीवित ठाकुर बाहर विश्वर भी जीवित ठाकुर किंतु सी निश्चय मानते मो गुहार शुणी आप मामंत करते आज्ञा मान जो बहुत पुओ झी हो ना मध्यस्थ ही कर मोर निजर पुओ झी दी जन अच्छा मामल तो करने चाहिए ठाकुर को मानसिक कर मानसिकला ठाकुर पुणी थर आसवि पूजा अर्चना जेन कर प्रायत प्रत्येक भक्त विवाह होगा पूर्व महाप्रभु को डाकी था पत्र निमंत्रण पत्र दे था प्रथम निमंत्रण पत्र गुआ नड़िया पान पैता हलदी अरुआ चाउल स्वतंत्र भाव महाप्रभु निमंत्रण विधान रही आप प्रत्येक ओडिया मैंने डाकती बाह ना पूर्व झील मिलूनी क्या पुओ मिलूनी महाप्रभु को कहते प्रकृत में महाप्रभु समस्त भक्त कथा बहुत कथा सब दायित्व नहीं था आज्ञा आज्ञा यहाँ कह पड़ो नहीं ठाकुर ठीक दायित्व नहीं चलती देवता सी केवे क्या अशांति करना मान ये को पूरण कर प्रभु को डाकि कांदी कष्ट कांदी से मुहूर्त आसी हाँ से मुहूर्त आस दुखे पड़ा पर रोजगार पत्र न था चार चार पाँच पांचटा पिला चलने रोजगार पत्र न था से हे जगन्नाथ तुम्हें बुझ मो पाला सा भरसा तुम परिवर्तन हो जा प्रत्येह आप प्रभु नाम कीर्तन प्रभु भजन कीर्तन टे कर भजन प्रभु भजन करे ये नामावली आज कांधे पड़ी ये मो राम छोट पा आम गोटे ग्रुप है रामलीला शिखु एगुटा सब आम मर्यादा मिले रामलील मर्यादा मिलता जहाँ से आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि कर आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि करने उत्साह प्रेरणा भी दौंस अन्न मान को धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ टीवी पक्षर गोटे पुस्तक प्रदान करी धन्यवाद अनेक भक्त से भक्त पाखे आसी भक्त भक्त पाखे कथा हो भक्त भक्त जिते कथा हूँ क्या कथा हे भगवान कथा भक्त अनुभव करता से भक्त अनुभव करने कथा उभय उभयर से अनुभव भितर समस्त परस्पर भितर आलोचना करें एक क्षेत्र में आसतु से भक्त मानक नहीं आम ये स्वतंत्र कार्यक्रम जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम पूरी रू वर्तमान प्रचार करुच्छू प्रसारण हो घरे रही देखुं भक्त भक्तिर कथा ये वर्तमान सीधा प्रसारण कार्यक्रम आपण को ना कौन गुरुचरण नगराज गोरीपड़ा ग्राम खोर्धार आसी कौन कहे अनुभव केमी आपंट जगन्नाथ अनुभूति रखिंट विश्व पिता दि हजार दुई मसीहा भाई मोर माँ बापा भी संसार भी चल जाते मोर बयस दस वर्ष भाई कही मुझे चाहूली जे जगन्नाथ परिप्रकाश करने कि आज से सुजोग मुझे मुझे एक ट्रैक्टर चलाऊली मो माँ जो बची कि मत कहला जे बाबा आम तो दिने भी तेज छाड़ भी पलू कि शेष मो माँ मो बापा मत संसार छाड़ी पलैले मुझे छोटी तापर आस्ते आस्ते मुझे बड़ा खबाक चाहिए मुझे गोटे ट्रैक्टर करी से मुझ चलिया भितर मोपर मड़ बसला जो मड़ बसला फास्ट शब्द मुझे डाकी बो मत तू रक्षा कर कि मत भगवान आविर्भाव है मुझे डाकी प्रभु जगन्नाथ मो बो कहते जे तुम जगन्नाथ तू डाक जिते विपद पड़ो बोलिका मुझे जो जगन्नाथ को डाक से बेले आउ जे जाते पाँच सतज से ट्रैक्टर टेकिक मत बचे कि कर्णवृत्ति मुझे कहवापा दस बार वर्ष होगा कि मुझे पार नी आज जय जगन्नाथ चैनल मुझे सुजोग पाई मोर निजक अनुभूति मुझप्रकाश कर्यक्रम अतीतर कथा मन पड़े प्रत्येक भक्त अनुभूतिर कार्यक्रम देखला बेले अतीतर कथा भगवान जिते साय करेंगे से कथा भी मन पड़ जाए आप दीर्घ बर्षर घटना टीए कौन ट्रैक्टर में दुर्घटना होता जोबाला दुर्घटना है आप कौन चिंता करें आप मृत्युबरण करते गाड़ी मुझे मड़ बसला मोर निश्वास प्रश्वास सब बंद खेई से मतलब लाल पूरा देखा जाता आ जो व्यक्ति आणिकी मत बचला ता ना भी भगवान बेहरा था मुझे अनुभव कली प्रकृत मत जगन्नाथ कह रूप
मानव रूप से मत आसिक बचेले कि अनुभूति कह आज की दस वर्ष निश्चित भाव से अनुभूति आपणकर रही से कथा परिप्रकाश करने सिंहद्वार खोजुले के महाप्रभु डाकबे आप महाप्रभु बचे जीवन को द्वारे कहे मु महाप्रभु बंची जो महाप्रभु बंची से प्रभु दर्शन केवे आसती पूरी की आज्ञा मु प्रत्येक मसर थर थर कासुले प्रभु मो प्रति टिके कबला कले ना मु प्रभु प्रति कबला कर प्रभु ही जानते किंतु मुझे दि वर्ष होगा कंटिन्यू आउ आसी पारुनी काली राति शोला बेल संक्रांति होता गाड़ी मोटर धोईकी मुझे मो प्रभु को जीवी दर्शन करा आज कि आज्ञा प्रकृत बास्तव जीवन सत्य कहानी आज्ञा मत जन किए कहे अरे बेगरी उठी जा छा सतटा आगे मुझे काठटे उठिली कद घंटा भितर गाड़ी चार पाँचटा धोई दे कि घर किसी क्या कहले मुझे जाऊँ पूरी आज्ञा मुझे पूरी सड़के आठ सदा शेषद भाई पाखे आँच मुझे प्रभु की भी दर्शन करें कि निश्चित मत जिते बाट जो मतलब प्रभु काणी मुझे निश्चित सुलभर मुझे प्रभु को दर्शन करी मन पसंद कर कभड़ा खाइबी पूरी में मोर घटू घटना मु जय जगन्नाथ टीवी माध्यम से समस्त परिप्रकाश करूँ आपण मैंने सदा बेले भावंतु किंतु जीवंत ठाकुर जीवंत ठाकुर कथा कहवा ठाकुर किंतु आम जिते सत परिप्रकाश करवा सत्य जीवा आमको जगन्नाथ अनुभूति आहरी भी आमको प्रघाट हाब भगवान सदा आम पाखे रे सत्य तपस्या नहीं कि सत्य ठारू बलियान शक्ति भी किसी नहीं आप सत्य जिते कह भगवान अति कापणार खेपर जा सत्य कहिबा अभ्यास करिबा से सत्य ही द्वारा आम प्रभु को पाइबा धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ टीवी पक्षर गोटे पुस्तक आपको प्रदान करी जय जगन्नाथ भक्त बंधु भक्त जेतेबेले प्रभु सहित मिसी जाए प्रभु पाखरे पहुँची जाए प्रभु मार्ग पाई जाए सी भावे मोर आ संसार किसी आवश्यकता ना यह अनुभव प्रभु आप आगुरी देता वर्तमान दे किंतु जिते बड़े प्रभु दया हम अनुभव पाइबे से आपणकर प्राप्तिर दर्शन प्राप्ति हो कृपार प्राप्ति हो कि जहाँ भी प्राप्ति थी आप समय आसत भक्त आनेक भक्त आपण ना कौन ना जगन्नाथ त्रिपाठी ब्रह्मपुर कौन करूँ व्यवसाय कर व्यवसाय संक्रांति बोली व्यवसाय प्रतिष्ठान जेहेतु संक्रांति जो सब व्यवसाय प्रतिष्ठान बंद रुए आमको से गोटे दिन समय मिले जे ठाकुर पाखे शरण पशी निजर अनुभूति अनुभव जहाँ जीवन में घटी से सब विषय आम ठाकुर पाखे समर्पण करने गोटे दिन सुजोग पाओ जो संक्रांति दिन आप व्यवसाय प्रतिष्ठान बंद गोटे दिन सुजोग पाती पूरी आसवापी आग्रहटा उत्कंठा बढ़ी जाए कहीं अन्य सब दर्शनीय स्थान रही अन्य दर्शनीय स्थान ठारु पुरीर जो श्रीमंदिर अच्छी से तो जीवंत ठाकुर नाम मो ना नामित मो ना भी से जगन्नाथ आर भी कोटि कोटि जगतर जी भक्त अच्छा कहले तो किसी कहीहबनी जेहेतु अंधर छोटा केंपा वयस्क लोक बुजुर्ग लोक समस्ते एमती से ठाकुर प्रति आत्मर सहित मिसी जाइंट जे अन्य जगह जीवा अपेक्षा पूरी आसिले मन को इतनी शांति मिले जे स्वयं से नारायण को पाइले निश्चित भाव नारायण क्षेत्र आपण अनुभव करुभूति गोटे कथा कहले अनुभूति यह जे दिने आम सपरिवार सहित ठाकुर पाख देखा आसलु से समय आम टे विच्छिन्न हो जाए मानने मो छोट झी को लेकिन मो मिसेस अलग हो जाए आउ मो शाशु टी अलग हो जाए मु मो पु अलग हो जाइलु से भिड़ भितर आम क्या कि खोजी पा नु से बेले मुझ तीन थर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ डाकी गोटे मिनट भी होनी पुणी एकाठी हो गल यहाँ गोटे सब बड़ अनुभूति एम तो बहुत जीवन में बहुत अनेक अनुभूति अच्छी आउ गोटे कहले अनेक अनुभूति पाई ये समय ये बखणवाई प्रकाश करने आ समय महाप्रभु दे पारती न दे पारती सी अलग कथा आउ गोटे अनुभूति हूँ मु हटात किना मत छुट्टी मिलला मुझे जो सर्विस करूँ आसुली आसला बेले से दिन भी एमती संक्रांति बासी हुए संक्रांति बासी रे कई कुआर जाती संक्रांति दिन जाती यहाँ आम शास्त्र अनुसार कहार से दिन गला बेले हटात गोटे आखिया गोटे एमती गोटे इनसीडेट आसला जोद्वारा कि मुझ बहुत बड़ विपद रू बचीगली
जो समयटा मो आखि पिछुला के आसला से समय मु जय जगन्नाथ ही डाकि और से बड़े मो गाड़ी रु पलटि जाए कि टिके भी मते कुरुचिटे भी है कौन सी दाग टिके भी मते लगे एटा गोटे सब बड़ अनुभूति मैंने एमती बड़ घटना घटी था हे तो गोड़ की हाथ भांगी था कि मो ठाकुर दया से बची जाए आपण हिसाब से गोड़ की हाथ भांगी था हे तो जीवन प्रति विपद था कि भी दुर्घटन कौन हम कई किसी कहींपरें किंतु दुर्घटन कौन हम भक्तों पर प्रभु कहींपर से अनुसार से तार सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करती भक्त निश्चय ठाकुर आम भावचे कथार अच्छी लंकार जिते जात सब बाहस्तुरी जात किंतु ये कलीजुगर जिते जात सब जगन्नाथ ए सारा पृथ्वी में जहाँ अच्छी सब जगन्नाथ सी ही चलाउं सी ही दुनिया को पूरा आग को बढ़े नहीं आम भाव यहाँ मोर से मोर ए परिवार ए घर द्वार संसार सब मोर मोर ये किसी ना मोर सब जगन्नाथ शरण में जदि आम जा निश्चय आम आत्मा को बहुत तृप्ति पाइबा आ सबकि जीवन में पाई से जगतवासी को मु प्रथम तो नमिता अग्रवाल मैडम को धन्यवाद देवी जे जो चैनल मध्यम जेल रे गृहबंदी थी बंदी मैंने बसिकर जगन्नाथ चैनल देखुं जो लोग चलिक आसी पारुनी जो मानकर मैंने आखि भावुं आम ठाकुर केमी पाइबु ये जो मध्यम जो है स विश्ववासी स जगतवासी समस्ते आपको देखिपुट आउ गोटे कथा मुझे कहवाक चाहिए जे जा घर भी टीवी था से एलईडी था कि टीवी था डिजिटल जहाँ भी था प्रथम कह जय जगन्नाथ चैनल से आसूँ कि ना जदि आसूल ताकि ग्रहण करूँ अन्यथा अजथा टीवी देखु ना कहीं ये चैनल मध्यम आपत बहुत किसी पाईपर आउ जगतवासी एत मु सूचे देवा चाहूँगी घरे बसी थी आप न आसीपारे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ डाकंतु निश्चय आपंकर मंगल हम निश्चित आपणकर मंगल हम ए शब्द भक्तों ठू आसू धन्यवाद जय जगन्नाथ टीवी पक्ष आपन को गोटे पुस्तक प्रदान करी धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ भक्त बंधु सबुठ बड़ कथा है भक्तों से भक्तिर कथार प्रकाश कर कारागारे रही जीवन अतिवाहित करजक दोषी सब्यस्त अनुतप्त जीवन चिंता करी थांती जे मु जीवन रे जहाँ करी भूल करी तेणु आज कारागार रे जीवन अतिवाहित करुची से माने परिवर्तन रो मार्ग पाती जय जगन्नाथ टीवी रो सीधा प्रसारण कार्यक्रम देखी याठ भली खुशी याठ भली आनंद कौन अच्छे प्रभुंकर दर्शन करी जीवन रो भूल करी मार्ग को प्रत्यावर्तन करी त्याग करी प्रभुं मार्ग रे आसीबा से जय जगन्नाथ टीवी रो प्रभाव कारागारे रे जीवन जाए अतिवाहित करुवा बंदी मानकर भी जाग्रत हो धन्य जगन्नाथ धन्य तुम लीला एमती समस्त की परिवर्तन करूँ समस्ते अनुतप्त हूँ क्षमा प्रार्थना आपण मागत आसतु अनेक भक्त अच्छा से भक्तिर धारा को प्रकाश करने जय जगन्नाथ आपण ना कौन मो ना श्री रजनीकांत दास कौटू आपण मो केन्द्रापड़ आने संस्कृत शिक्षक थी एबे अवसर नहीं ची संस्कृत शिक्षक थिले अनेक शिक्षता शिक्षा प्रदान करी शिष्य शिष्या माने थिबे शिक्षा विभाग अवसर नेला परे पुनी संस्कृत विभाग देव भाषा को सिखाउतले देवता सहित संपर्क श्लोक मंत्र स्तुति सहित भल संपर्क थिले मु तो जगन्नाथ को कृपा रु मु गोटे संस्कृत रे गोटे काव्य लिखी सुभद्रा परिणय बोली संस्कृत में गोटे काव्य लिखी तापर आउ देखी जे शंकराचार्य वल्लभाचार्य प्रभृति आमर जो अनेक मुनि ऋषि माने जो स्तोत्र लिखिंट आम पाठ करुचे आउ मु चिंता कली से भाई जगन्नाथ गोटे स्तुति लिखी अष्टक लिखी यही भावना नहीं जगन्नाथ शरण पशिली से जगन्नाथंकर करुणारु मु मध्य स्तुति तरंगिणी बोली गोटे काव्य लिखिली से जगन्नाथंकर अष्टक अच्छी एटा गोटे धृष्टता कहले हम जे मु जगन्नाथंकर कृपारु ही लिखी हाँ जगन्नाथ सौरी जगदवतु नीला चलमणि यही मर्मरे अष्टक लिखी आउ बलभद्रंकर मध्य स्तोत्र लिखी
आउ सुभद्रांकर स्तोत्र लेखिछ अनेक किछि लेखिछन्ति प्रभुंकर कृपा दयारु तांको बिना दयारे आपण निजे स्वीकार करुछन्ति दृष्टता हबो संभव होने बोली स्वीकार कर ए प्रभु प्रति जो भक्ति भाव कर्म क्षेत्र में थिला बेले अच्छी जीवन बाल्य कालरु अच्छी ना हठात किसी घटना घटीगला जे कि प्रभु से दिन ठू आप प्रभु को छाड़ना जगन्नाथ तो हूँ ब्रह्मांडर नायक आउ विश्व ब्रह्मांडर पति से तो से चंद्र सूर्य तारा भाव से समस्त ज्योति राशि प्रदान करमती व्यक्तिगत भाव आप अनुभव करिसेंती जगन्नाथ सूर्य जगन्नाथ चंद्र जगन्नाथ समस्त ये गोटे अनुभूति कहले अनुभव दिने मु एई जगन्नाथ पीठ को आसी देखिली मोर गोटे कन्वोकेशन थिला समावर्तन उत्सव थिला सर्टिफिकेट मिलबार थिला किंतु मु तरतर हे कि पळे गली सेठी से समावर्तन उत्सव जोग देबा पई मोर मन टिके थाए जदि समावर्तन उत्सव डेरी हो जीव मो जगन्नाथ को दर्शन कर पारि किंतु हला एमती मोर से सर्टिफिकेट टी से दिन दस्तखत हो नाला आमर जी थिले जी आमर गेस्ट थिले तांकर दस्तखत हो पार नाला किंतु भूल वशत रही थिला जगन्नाथ अपार करुणा मोर से दिन एठी रहिबा गोटे निहाती सुजोग मिलगला मु ठाकुर दर्शन कली आउ तापरे मोर सर्टिफिकेट नेली एई भली गोटे कथा आउ मोर पुओ से पाठ पढ़ु थाए मेडिकल रे एंट्रेंस दू थाए सफल हो नाला जगन्नाथ शरण पशिली जगन्नाथ केमी सफल कर दिंतु यही लक्ष्य नहीं कि मुझे जगन्नाथ शरण पशिली से कृतकार्य है पूरी धाम रे मेडिकल रे से मध्य डाक्तर भाव में सेवा करुच्ची जा पुअर सफलता आप गर्वित पुरी महाप्रभु को नहीं गर्वित नुहे निश्चित प्रभु अनुग्रह कर सब बेले ऋणी हो रही सदा ऋणी हो रहा प्रभु पदारबिंद ये हूँ आम कर्तव्य धन्यवाद देवी आप तो शिक्षकता कर शिक्षक प्रभाव आप जानते गोटे पुस्तक प्रदान आपको प्रदान करी गोटे श्लोक बोल लक्ष्य नहीं भावुची आज्ञा आज्ञा श्रीक्षेत्र धूलि परमाश्रयो मे तन्मात्र माप्तुम विकलोस्मि नित्यम हे क्षेत्रवासीन मयिते कृपास्तु जगन् भजे जगन्नाथ पदाम बुजेते भजे जगन्नाथ पदाम बुजेते बहुत बहुत धन्यवाद भक्त बंधु एमती भावप्रवणतार सहित महाप्रभु जी जहाँ सफलता पाई थाए सी ही बखाणी थाए कारण महाप्रभु को कई भूलती ना जी भावे मु आज्ञा गर्व नुह अनुग्रह महाप्रभु जो ये प्राप्ति होसतु से भक्त मैंने भक्तिर कथा को प्रकाश करेंगे आपण के सम्मुख में आपण का ना कौन ललिता विश्वास मुझे कलापथर आसी पर आसिले हाँ आसी पर निश्चित भाव में आपड़ जो आसुँच प्रभु को दर्शन करने को आज दर्शन करीथर दर्शन कली के ठाकुर पेट पूरी जा पुणी बारंबार इच्छा हो देखा ठाकुर पाखे खाली चका आखिक देखीदे आखि मिशिगले आखि पता पड़ून सबुब कालिया दर्शन करने इच्छा कालिया को अनुभव करती दर्शन हाँ कालिया को मंत्र चक्र सब अनुभव करे अनुभव अनुभव कर संसार चलाऊँगी मुझे निजे चलाऊँ मुझे जानी पारूनी से ही सब छाड़ी दौर हे जगन्नाथ ही चलाऊँ मो संसार जगन्नाथ को देखिले तो खाली पेट के पूरी जाते पुरुन जिते पूरी जाते आसूँ नपुरुच देखी आखि इच्छा हो भगवान को दर्शन जगन्नाथ दर्शन पेट पूरी जाए महाप्रभु दर्शन कि भाव महाप्रभु रखिंट जहा एम आसतु क्षेत्र को दर्शन करतु गोटे पुस्तक आपन को प्रदान करी भक्त बंधु से भक्तों भक्तिर कार्यक्रम को आम ये रखा परवर्ती कार्यक्रम जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम सूचना जाणी कि पूर्व जावा पूर्व कह समस्त कह जय श्री जगन्नाथ।
କୁହାଇବା ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।